जितने हमारे बैक मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतने हमें बैक की कंप्लेन कम होगी। पीठ में तनाव दूर करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस है और आज हम देखेंगे सिंपल एक्सरसाइजेस जो पीठ में से तनाव दूर कर सकती है और पीठ के दर्द से आपको बचा भी सकती है। सबसे पहले देखेंगे टेंट पोज, उसके बाद देखेंगे भुजंगासन और शलभासन भी देख लेंगे। ये तीन एक्सरसाइजेस जो हम देख रहे हैं उससे आपकी पीठ में लचीलापन तो बढ़ेगा ही और पीठ के दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में पेट के बल सो जाना है आपको, दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखना है, धीरे से सिर को ऊपर उठाना है। भुजंगासन में कई लोग बहुत ही ऊपर आ जाते हैं, यह करने से भुजंगासन के फायदे नहीं मिल सकते। आपको ख्याल रखना है कि भुजंगासन में शरीर को सिर्फ नाभि तक खींचे, नाभि से ऊपर ना खींचे और धीरे से वापस ले जाए। अब हमने जो देखा वह था भुजंगासन। जिस तरह भुजंगासन शरीर के ऊपर के हिस्से को खिंचाव महसूस करने में मदद करता है, उसी तरह से पीठ के नीचे के हिस्से को तनाव महसूस करने के लिए आपको शलभासन करना चाहिए। चले अब देखें शलभासन की पोजीशन कैसे लेंगे। दोनों हाथों को की मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथों की मुट्ठी को थाई जॉइंट के नीचे लगा दें, चिन को जमीन से लगाए हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाए, ध्यान रहे कि घुटने मुड़े नहीं, आपका चेहरा जमीन पर रहे। धीरे से दोनों पैर नीचे ले आए, दोनों हाथों को मूल स्थिति में लाए। आपने देखा कि पीठ के नीचे के हिस्से को खींचने के लिए शलभासन काफी मदद करता है। यह शलभासन हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी मसाज करता है और शलभासन करने से लोअर बैक एक से भी आप बच सकते हैं। अभी जो दो आसन आपने देखे वह थे भुजंगासन और शलभासन। अब ये दोनों से पीठ में जहां तनाव महसूस हुआ है उसे दूर करने के लिए उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री आसन टेंट पोज भी करना चाहिए। चलिए देखते हैं टेंट पोज। दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हुए, अंगूठों को जमीन पर रखते हुए ऊपर आए और धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर लगा दे और चेहरे को घुटनों की ओर ले जाए। दोनों पैर जमीन से लगे हुए, दोनों हाथ हथेलियां जमीन पर प्रेस करती हुई, यह है टेंट पोज। यहां ख्याल रखना है कि आपका चेहरा पैर की ओर हो और आपकी हील्स जमीन पर हो। यह जो आसन था वह भुजंगासन और शलभासन से शरीर में जो भी तनाव हुआ है उसे दूर करने में कारगर रहता है और जब आपका चेहरा आगे की ओर झुका हुआ है, शरीर भी आगे की ओर झुका हुआ है, तो आपके मन को शांत करने में भी मदद करता है। अभी जो आसन हमने देखे इसमें एक में पीठ आगे की ओर झुकी थी और एक में पीठ को पीछे की ओर खींचा था। अब उसी तरह से पीठ को ट्विस्ट भी करना है। चलिए देखते हैं वक्रासन। वक्रासन में पहले हमेशा राइट साइड की ओर ट्विस्ट करना होता है। राइट नी को इस तरह से पकड़े, धीरे से राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ ले, लेफ्ट हैंड को आगे ले जाए और लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ते हुए राइट हैंड को राइट हिप के पास लगा दे और राइट कंधे की ओर आप देखें। अब धीरे से उसी आसन से वापस आए, कोई जर्क शरीर को न लगे उसका ख्याल रखें। यह वक्रासन इसी तरह से दूसरे पैर से
दूसरी साइड पर भी करना है। अभी जो आसन हमने किया वक्रासन, वह डायबिटीज में भी फायदा करने वाला आसन है और शरीर जब भी इस तरह से ट्विस्ट करता है उसमें से तनाव दूर हो जाता है और आप पूरे दिन के लिए ज्यादा स्फूर्तिमय महसूस करते हैं। अभी जो आसन हमने देखे वह पीठ के दर्द से आपको बचाने में मदद करेगा और अगर पूरा दिन काम करने के बाद भी शाम को भी अगर आपको अपने आप को स्फूर्तिला पाना है तो यह सिंपल आसन रोजाना करें।